एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो बहुत समझदार व सुंदर स्त्री थी। वह दोनों मिलकर अपने खेत में फसल उगाते थे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते थे। राजेश और सुशीला की शादी को 15 साल पूरे हो चुके थे। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन सुशीला के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर राजेश ने पूछा कि तुम इतनी चिंतित क्यों हो। तभी सुशीला कहती है कि पता नहीं कुछ दिनों से मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। पता नहीं मैं किसी अनजान जगह पर खड़ी हुई हूँ और तुम्हारा नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला रही हूँ और तुम वहाँ आस पास में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हो। राजेश फिर कहता है, हट पगली, ऐसी बातें करती है, वह केवल सपने होते हैं, वो सच थोड़ी है। ऐसे सपने दिल पर मत लिया करो, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद गांव में एक शहरी महिला आई। उसका नाम प्रभा था। वह गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने आई थी। सुशीला भी उसके पास सिलाई सीखने जाया करती थी और कुछ ही दिनों में सुशीला अच्छी सिलाई करना सीख गई और सुशीला धीरे धीरे कपड़े बनाकर गांव में बेचना शुरू करती है। उसके काम की तारीफ गांव वाले बहुत करते हैं। सुशीला पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। राजेश भी बहुत सराहना करता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी यह काम सीख गई हो। एक दिन राजेश जब खेतों से घर आ रहा था तो सुशीला के पास बहुत से गांव वाले बैठे थे और उसे प्रस्ताव दे रहे थे कि तुम शहर में एक दुकान खोल लो, वहां तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। राजेश मन ही मन में सोचने लगा कि मेरी पत्नी की कितनी तारीफ हो रही है, मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली है। घर जाकर राजेश ने कहा कि मुझे ऐसी चिंता खाए जा रही है कि अगर तुम शहर जाकर मुझे भूल गई तो। तभी हंसते हुए सुशीला कहती है, अरे मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें, हमारा रिश्ता कच्चा थोड़ी है, प्यार से बंधा हुआ है। आप तो फालतू ही इतनी टेंशन लेते हैं, हमारे बीच में कितनी ही दूरियां आ जाए पर हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। राजेश ने शहर जाने की हामी भर ली। सुशीला कुछ दिनों में शहर चली गई और उसने वहां अपनी दुकान खोल ली। वहां भी उसने जल्दी ही सफलता हासिल कर ली और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। सुशीला हर हफ्ते या 10 दिन में गांव आती थी राजेश और अपने बच्चों से मिलने के लिए। वह शहर में रहकर अपने खेत और अपने परिवार को बहुत याद किया करती थी। कुछ ही दिनों में सुशीला के सफलता की कहानी गांव-गांव में फैल गई और उसने गांव में रहने वाली बहुत सी महिलाओं को रोजगार दिया। राजेश को इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरी पत्नी कितनी समझदार हैं। एक दिन राजेश की पत्नी सुशीला ने कहा कि आपकी वजह से ही यह सब हो पाया है, आप अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं यही रह जाती। आप बहुत अच्छे हो राजेश। तभी राजेश ने कहा कि सुशीला, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें यहाँ तक लाई है और इतनी सफल हो पाई हो तुम। मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं होता। गांव वाले भी राजेश और सुशीला की बहुत तारीफ करते थे कि कितने मेहनती और प्यार करने वाले हैं यह दोनों। उनकी जिंदगी में आई हर मुश्किल ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था और इस तरह राजेश और सुशीला ने अपने सपनों को सच करके दिखाया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अच्छे स्कूल में पढ़ाया। राजेश और सुशील दोनों दूर रहकर भी आपस में बहुत प्यार करते थे और उन दोनों का रिश्ता गांव वालों के लिए प्रेम और समर्पण की कहानी बन गया। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।